पिपरी वन रेंज स्थित बेलवादा ग्राम पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर जबरदस्ती वन विभाग व कास्ट की जमीन पर सड़क बना रही साई सूर्या प्रोफेशनल कंपनी द्वारा जंगल विभाग के सख्त हिदायत व केश काटने के बाद भी जबरदस्ती वन व कास्ट की जमीन पर पोकलेन लगाकर सड़क बनाने से शुक्रवार को ग्रामीण उग्र हो गए तथा लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार करह कर्मचारियों को भी खदेड़ दिया। वहीं ग्रामीणों व कंपनी के कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक पखवाड़ा से यूनाइटेड मेगा मूवर्स कंपनी व साई सूर्या प्रोफेशनल कंपनी के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों पेड़ों को जमींदोज करते हुए सड़क बना रहे थे। जब इसकी जानकारी वन विभाग को हुई तो वन विभाग ने काम रुकवा दिया। वहीं वन विभाग ने साई सूर्या प्रोफेशनल कंपनी व उनके सुपरवाइजर सत्यम रेड्डी पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सख्त हिदायत दिया था कि किसी भी सूरत में सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। पर केश के दूसरे ही दिन मनबड़ कंपनी के कर्मचारियों ने वन विभाग को ठेंगा दिखाते हुए फिर से कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान दर्जनों पेड़ों को रौंदने व वन विभाग के क्रियाकलाप से क्षुब्ध ग्रामीणों ने विधित की मेघा पावर द्वारा यूनाइटेड मेघा मूवर्स को 5 साल के लिए रात ट्रांसपोर्टिंग का कार्य दिया गया है। वहीं यूनाइटेड मेगा मूवर्स कंपनी पूर्व में बने सड़क से ट्रांसपोर्टिंग न करके कई किलोमीटर का चक्कर बचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर आबादी के बीच से होते हुए नया सड़क बिना वन विभाग की अनुमति के काट कर प्लेन कर दिया है। वहीं रेंजर राघवेंद्र कुमार ने कहा कि कंपनी मनमानी कर रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कंपनी के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि बुद्धिजीवियों को मानना है कि कंपनी को किसी भी अधिकारी या नेता का शह मिला है जिसके दम पर कंपनी गलत पर गलत कर रही है। सोनभद्र से दीपक सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।